Hello everyone, welcome you all to anthropology inside classes, and today we are going to discuss about chromosomal mutations. So let's start. As we have already discussed in earlier class, that mutation is a certain change uh, in uh, gene structure or uh, chromosomal structure or chromosomal number. एंड uh, ये डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनकी वजह से हो जाते हैं इन म्यूटेशन्स की वजह से तो म्यूटेशन्स दो तरीके के हो गए जीन म्यूटेशन हो गए जिनको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं बिकॉज एक किसी एक सिंगल न्यूक्टाइट पर एक पॉइंट पर वो जब कोई चेंज हो करता है तो उसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं जिसकी जिसकी वजह से सिंगल न्यूक्टाइट पॉलिमोलिजम दिखाई देता है तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन होते हैं और जो repetitive हमको दिखाई देते हैं genes पर वो भी इनी gene mutations की वजह वजह से होता है और इनकी से कुछ uh, genetic disorders होते हैं जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में किया है नाउ वी डिस्कस इन दिस लेक् म्यूटेशन तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन भी दो तरीके के होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल uh, होते हैं इस क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है तो uh, ये एक टाइप ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है और क्रोमोजोमल के नंबर में होता है तो उसको भी हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं तो स्ट्रक्चरल और न्यूमारिकल टू टाइप्स के होते हैं और क्योंकि क्रोमोजोम जब हमने पढ़ा था कि देर आर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम जीनोम और ये फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री पेयर्स में होते हैं जिसमें कि ट्वेंटी टू पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं

चेंज आता है इनके नंबर्स में चेंज आता है तो उसी को हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं तो इस तरह हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोजोम की क्या टाइप्स हैं और में कौन कौन से डिसऑर्डर्स इनकी वजह से होते हैं तो फर्स्ट वी ऑटोजोम ऑटोजोमल जो क्रोमल म्यूटेशन हैं वो अगेन टू टाइप्स के हैं स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल म्यूटेशन को जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन को एन्य कहा जाता है तो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वेदर इट इज ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम इसको हम एन्य है एन्यल है वो आपको sex chromosome में भी मिलेंगे। ठीक है अब हम इसको uh, मतलब वन बाई वन पढ़ेंगे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या होते हैं ऑटोजोम्स में स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या होते हैं तो दीज आर फोर टाइप्स डिलीशन डुप्लीकेशन इनवर्जन एंड ट्रांसलोकेशन जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका एक हम निमोनिक बना लेते हैं याद करने के लिए यहाँ पर हमने सिड बनाया था substitution, deletion, point mutation में पर टिड बनाया था तो जब ऑटोजोम के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है ड्यू टू फैक्टर्स देन ये टिड uh, कहलाते हैं मीन्स चार तरीके के होते हैं ट्रांसलोकेशन इनवर्सन डुप्लीकेशन एंड डिलीशन ओके okay? तो डिलीशन मीन्स जब क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर का कोई एक पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसको हम डिलीशन कहते हैं दो आर्म्स होती हैं पी आर्म और क्यू आर्म तो उसमें कोई भी एक आर्म डिलीट होती है ऊपर वाली आर्म को हम पी आर्म कहते हैं नीचे वाली को क्यू आर्म कहते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो अगर डिलीट हो गई तो उसको हम डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं मीन्स क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर उसमें चेंज आ रहा है इसलिए इसको हम डिलीशन म्यूटेशन कह रहे हैं इसीलिए यहाँ पर फिर अब डुप्लीकेशन आ गया अगर सेम क्रोमोसोम्स अगर डुप्लिकेट हो गए उनके स्ट्रक्चर में आ, वही चीज़ सेम जो स्ट्रक्चर वो डुप्लीकेट हो गया तो उसको डुप्लीकेशन कहते हैं इन्वर्जन होता है जब इन्वर्ट कर जाता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं और ट्रांसलोकेशन होता है कि एक आम जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के आम में जाकर अटैच हो जाती है यहाँ से डिलीट होकर दूसरे ऑटोसोम्स के आम जब जाकर अटैच हो जाता है तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं मीन्स टू क्रोमोजोम्स के बीच में ये ट्रांसलोकेशन होता है ओके तो ट्रांसलोकेशन के लिए दो क्रोमोजोम्स की जरूरत पड़ती है उनके बीच में चेंज आता है किसी दूसरे की आर्म किसी दूसरे ऑटोजोम्स में जाकर लग जाती है तो एक तरफ डिलीट होती दूसरी तरफ जाके लग जाती है और फिर जो मतलब दोनों के कुछ पार्ट्स में डिलीशन होता है

ट्राइजोमी मिलेगी ठीक है तो ट्राइजोमी हमको सेक्स क्रोमोजोम में भी मिलती है और मोनोजोम भी मिलता है और आ, हमको आ, ये ऑटोजोम्स में भी न्यूमेरिकल म्यूटेशंस मिलते हैं अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल म्यूटेशंस कौन कौन से हैं तो स्ट्रक्चरल तो हमने डिस्कस कर दिया टीड होते हैं ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन डुप्लीकेशन डिवीजन अब ऑटोजोमल एंड सेक्स न्यूमेरिकल म्यूटेशंस की बात की जाए तो न्यूमेरिकल म्यूटेशंस होते हैं डाउन सिंह सिंड्रोम डाउन एंड पटाओ सिंड्रोम जो होता है ट्राइजोमी ट्वेंटी वन होता है एडवर्ड ट्राइजोमी ट्वेंटी एटीन होता है और पटाओ जो होता है ट्राइजोमी थर्टीन होता है ओके तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑटोजोम्स आ जाता है पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं पेयर ऑफ क्रोमोजोम की जगह तीन क्रोमोजोम अगर एक जगह आ गए तो उसको हम ट्राइजोमी कहते हैं हमेशा जो है दो के फॉर्म दो के रूप पेयर में रहते हैं मीन्स पेयर मतलब ही होता है दो क्रोमोजोम्स एक साथ रहते हैं तो वो पेयर होता है और दो की जगह तीन आ जाते हैं जिसको तो उसको ट्राइजोमी कहते हैं और दो में से अगर कोई एक कम हो जाता है तो उसको मोनोजोमी कहते हैं ठीक है तो दो की जगह अगर एक हो गया तो मोनोजोमी हो गया दो की जगह अगर तीन हो गया तो ट्राइजोम तो तो की जगह फोर्टी सेवन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऐड हो रहा है क्रोमोजोम नंबर में चेंज आ रहा है एक ऐड हो रहा है और यहाँ पर एक डिलीट हो रहा है एक क्रोमोजोम मिस कर जा रहा है तो यहाँ पर डिलीशन हो रहा है और जिससे कि 46 सिक्स क्रोमोजोम की जगह 45 फाइव होते हैं तो मोनोजोमी में ये याद करने की चीज है आपको याद रखना होगा कि मोनोजोमी में 45 फाइव हो जाएंगे जैसा कि टर्नर सिंड्रोम में होता है फोर्टी फाइव एक्स हो हैं। उसका जो फॉर्मूला है वहां पर जो एक्स मतलब फीमेल्स में एक्स एक्स जो फीमेल का होता है फॉर्मूलास क्रोमोजोम का उसमें एक एक्स गायब हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोमोजोम कम हो गया इसलिए 45 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ट्राइजोमी में जैसे कि सिंड्रोम में हम बात कर सकते हैं जिसमें कि -एक है, हाँ, -एक है हैं, तो है, है, हैं एक पेयर ऑफ प्रोमोजोम की जगह तीन प्रोमोजोम हो जाते हैं तो ट्राइजोमी हो गए एडवर्ड और पटाओ में भी ट्राइजोमी मिलती है तो ये ऑटोजोमल ट्राइजोमी हो गई और क्लिन फिल्टर या सुपर फीमेल इंटरसेक्स ये सब क्या हो गई सेक्स uh, क्रोमोजोमल में ट्राइजोमी हो जाती है ठीक है जैकॉब सिंड्रोम ये सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइजोमी होती है टर्नर सिंड्रोम जो होती है वो मोनोजोमी शो करता है ओके तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कौन से जो इनसे कौन कौन सी डिजीजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं क्रोमोसोम so, में देखा कि जैसे कि इसी चित्र से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी है पार्ट क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का वो डिलीट हो गया है तो डिलीशन हो गया तो यहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया इसी तरह यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है मीन्स बी दो बार डुप्लीकेट हो गया बी जो वाला जो पोर्शन है दो बार आ गया तो डुप्लीकेशन हो गया इसी तरह इन्वर्जन में क्या होता है इन्वर्ट हो जाता है तो ए बी सी की जगह ए ई डी हो गया ये वाली आर्म क्या हो गई ए ई डी e, पढ़ी जाएगी और ये सी बी एफ पढ़ी जाएगी सी बी एफ पढ़ी जाएगी तो ए बी सी डी ई एफ की जगह ए ई डी सी बी एफ पढ़ी जाएगी क्योंकि क्रोमोसोम से वो इनवर्ट हो गई हैं इसी तरह ट्रांसलोकेशन में इसकी आर्म का पोर्शन इसमें जाके जुड़ जाता है और इसका आम इसमें जुड़ जाता है तो इस तरह ट्रांसलोकेट हो जाता है दो क्रोमोसोम के बीच में तो ए बी सी जे के एल हो गया अब ए बी सी के आम में जे के एल जाके जुड़ गया और जी एच के साथ जुड़ गया है डी ई एफ मतलब एल डी ई एफ जुड़ गया है आई आई डी ई एफ जुड़ गया ठीक है आई तो है आई के साथ डी ई एफ जुड़ गया है तो यहाँ पर आपको ट्रांसलोकेशन के बाद जो नया स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोसोम को वो क्या दिख रहा है जी एच आई डी ई एफ तो एक क्रोमोसोम में जी एच आई डी ई एफ बना और दूसरे क्रोमोसोम में ए बी सी जे के एल आर जुड़ गई इसकी जगह क्योंकि डी ई एफ इस जी एच के साथ जुड़ गई है तो इस तरह आप ट्रांसलोकेशन देख सकते हैं तो डिलीशन हम लोग ने बोला कि एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जब ब्रेक अवे कर जाता है और लीडिंग टू दर्टिंग ऑफ क्रोजोमीशन एंड डिलीशन की वजह से जैसे क्रोमोजोम 13 में एक पोर्शन डिलीट होता है तो उसकी जगह उसकी वजह से रेटिनो हो जाता है क्या हो जाता है रेटिनो ब्लास्टोमा ये एक डिजीज है रेटिनोब्लास्टोमा और ये क्रोमोजोम 13 का आम का डिलीशन की वजह से ये रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है समटाइम्स दोनों जो है डिलीट हो जाते हैं अब आपने पढ़ा होगा कि है, है, भी कहते तो कहते कहते हैं, 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 क्योंकि यहां जो आ, आ, मतलब है। उसकी जो पी आर होती है वो डिलीट हो जाती है तो चैट सिंड्रोम या कैट सिम सिंड्रोम इसको कहते हैं फाइव पी सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर फाइव है उसकी पी आर्म हो जाती है इसलिए इसलिए इसको सिंड्रोम 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 कहते कहते हैं हैं या, या है। क्योंकि जो होते जिन को ये ए, हो जाता है उनकी कैट लाइक -like सुनाई देती है इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं सिंड्रोम है जो कि की जो क्रोमोजोम है उसके पी

प्रेडर विली ये क्या है डिलीशन सिंड्रोम है और एक रेटिनो भी इन्हीं की वजह से होता है देन डुप्लीकेशन आ जाता है डुप्लीकेशन में सी जो डिजीज है वो डुप्लीकेशन की वजह से होती है जो क्रोमोसोम 17 का एक पार्ट जो है डुप्लीकेट कर जाता है क्रोमोसोम 17 आपको क्रोमोसोम का जो संख्या लिखी है उसको याद करना होगा इसी से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस क्रोमोसोम के डिलीशन डुप्लीकेशन से सीएमटी डिजीज होती है चारकोट मैरी टूथ डिजीज ये तीन साइंटिस्ट के नाम है चारकोट मैरी टूथ ये तीन साइंटिस्ट के नाम पर डिजीज का नाम पड़ा है इसी तरह जितने भी आपको ज़्यादातर जो मिलते हैं ये डिजीज या डिसऑर्डर्स वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं तो ये प्रेडर विली जैसे है, प्रेडर के नाम पे है डब्ल्यू एच जी आर भी ये तो कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उनके नाम पे है बी डब्ल्यू एच जी आर इस डिजीज की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उनकी उनके नाम पर है इसी तरह एक कैट लाइक -like क्राइज के नाम पर क्रेडिट चैट है लेकिन चारकोट मैरिट्रूथ जो है तीन साइंटिस्ट के नाम पर है इसी तरह डाउन सिंड्रोम भी साइंटिस्ट के नाम पर ही होता है आ, कुछ और भी जो सिंड्रोम्स की बात हम करेंगे पटाऊ

अब इन्वर्जन आया तो इन्वर्जन की वजह से कोई ऐसा कोई खास डिजीज नहीं पता चली है लेकिन क्रोमोजोम इफेक्ट करता है इन्वर्जन क्रोमोजोम टू को इफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली इफेक्ट क्रोमोजोम टू मीन्स uh, ऑटोजोम जो टू होता है वो क्रोमोजोम मतलब जो होता है उसको ये इफेक्ट करता है, है इन्वर्जन और इसकी वजह से कोई ऐसी डिजीज नहीं पता चली है ट्रांसलोकेशन में फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम बनते हैं डाउन सिंड्रोम में भी ट्रांसलोकेशन पाए थे 5% आ, उसमें भी दो तीन तरीके के डाउन सिंड्रोम में होते हैं मोजाक होता है ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है और ट्राइजोमी होती है तो डाउन सिंड्रोम में भी हमको मिलता है ट्रांसलोकेशन फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम में भी ट्रांसलोकेशन शो करता है जिसमें कि क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है तो ये हो गया रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन भी होता है तो इस तरह ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि व्हेन ए पीस ऑफ वन क्रोमोसोम हैज ब्रोकन ऑफ इट्स वन ऑफ द ओरिजिनल लोकेशन एंड अटैच्ड टू तो द अनादर क्रोमोसोम जैसा कि आप लोगों ने इस चित्र में देखा कि ए बी सी डी ई एफ का एक जो डी ई एफ है यहां से ये ब्रेक कर जाता है और जी एच वाला जो क्रोमोजोम आई जे के एल के एल तो इससे जुड़ गया लेकिन आई के बाद ये डी एफ आके जुड़ गया तो एक क्रोमोजोम का पीस यहाँ से ब्रेक करता है और दूसरे क्रोमोजोम की आर में जाकर जुड़ जाता है और इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ओके तो कैट काट का सिंड्रोम के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है कि ये चैट सिंड्रोम कहते हैं या चैट भी आप पढ़ सकते हैं ये एक फ्रेंच नेम है और ये फाइव सिंड्रोम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फाइव जो क्रोमोसोम नंबर फाइव है उसकी एक शॉर्ट आर्म जो पी आर्म है जिस जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना है क्रोमोसोम नंबर फाइव है और फाइव की पी आर्म पी आर्म कौन सी होती है ऊपर वाली आर्म होती है तो ऊपर वाली आम जो है वो डिलीशन शो कर रही है क्या शो कर रही है डिलीशन यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट आर्म डिलीट हो गई है माइक्रो डिलीशन शो कर रहा है ये ये डिलीशन शो कर रहा है और इसी की वजह से सिंड्रोम हो जाता है जिसमें कैट लाइक क्राई करते हैं बच्चे और इसीलिए क्राइडोचाइड सिंड्रोम कहते हैं लाइक क्राइस -like करते हैं इनके एबनॉर्मल ईयर्स होते हैं लो सेट एबनॉर्मल ईयर्स होते हैं अ लार्ज हेड लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखा रहता है कि माइक्रोसेफली होता है मींस रिड्यूस्ड हेड होता है हाई पिच क्राइंग इन्फेंट्स में उमून लाइक वेसेस शो करता है और आईक्यू जो मेंटल लेवल होता है वो लो स्लो होता है ठीक है आईक्यू लेवल बिलो 20 होता है तो मेंटल लेवल क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिंड्रोम्स है आपको मेंटली मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देगी क्योंकि सिंड्रोम्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहले जो ब्रेन है असर करता है तो मेंटल हो जाते हैं जैसे कि उनकी जो एक्टिविटीज होती है नेचुरल एक्टिविटीज चलना फिरना बात करना और किसी चीज को कोटिव uh, जो बिहेवियर है वो सारा कुछ uh, जो है इफेक्ट होता है उससे उनके ऊपर असर पड़ता है तो जो नेचुरल उनकी प्रोसेस है वो इफेक्ट होती है तो इस तरह मालफॉर्म बॉडी पार्ट्स होते हैं मालफॉर्म बॉडी पार्ट्स जिसमें कि हेड जो होता है माइक्रोसिफाइली शो करता है छोटा हेड होता है हाई पिस्ट क्राइज शो करते हैं और लो सिट एबनॉर्मल ईयर्स होते हैं कैट लाइक क्राइज यहां पर देखिए बच्चा फाइव डे के बैठा है मीन्स ये फाइव पीस सिंड्रोम है ओके और कैट लाइक क्राइज है क्या याद करना है आपको फाइव पीस सिंड्रोम है ये फाइव पी सिंड्रोम है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर फाइव की जो पी आर में पी आर कौन सी होती है ये ऊपर वाली आर्म क्या होती है पी आर होती है और नीचे वाली आर्म क्या होती है क्यू आर होती है तो पी आर्म जो है डिलीशन हो कर रहा है माइक्रो डिलीशन हो कर रहा है इतना पोर्शन इसका डिलीट हो गया है देखिए ये जो एक क्रोमोजूम है ठीक है अब उसका इतना पोर्शन आपने हटा दिया तो छोटा सा बचा तो माइक्रो डिलीशन हो गया एक में और वही उसी को हम कह रहे हैं सिंड्रोम ओके तो ये फाइव पी सिंड्रोम हो गया कैट क्राई सिंड्रोम फाइव पी डिलीशन सिंड्रोम भी कहते हैं फाइव पी माइनस सिंड्रोम भी कहते हैं अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैट क्राई में ही लगाना है या क्रीड चैट सिंड्रोम को ही लगाना है ठीक है आते हैं जी आर सिम डब्लू जी आर सिंड्रोम इसको इलेवन पी सिंड्रोम कहते हैं यहाँ भी ऊपर वाली आम को ही डिलीशन कर रहा है जो ऊपर वाली आम है अगर 11, 11th जो है उसी के ऊपर वाली आम में ये डिलीशन डिलीशंस कर रहा है तो ऊपर वाली आम का ये देखिए माइक्रो डिलीशन कर रहा है ये हिस्सा इसका मिसिंग हो गया डिलीट हो गया तो उससे क्या हो गया इसमें जो सिंड्रोम डेवलप हो गया तो इट्स अ रेयर जेनेटिक सिड्रोम ज्यादा नहीं होता है रेयर होता है

ये सारे डिलीट हो जाते हैं विल्म्स ट्यूमर जीन डिलीट हो जाता है ओक्यूलर जीन डिलीट हो जाता है तो सेवरल जीन्स आर रिलेटेड सेवरल जीन्स आर रिलेटेड इन दिस एरिया विच एरिया 11p13 रीजन तो आपको याद करना होगा डब्ल्यूएजीआर सिंड्रोम 11p डिलीशन शो करता है तो डिलीशन सिंड्रोम में आपको कैटप्रेस सिंड्रोम प्रेटाविली सिंड्रोम और डब्ल्यूएजीआर सिंड्रोम है जिसके की अलग-अलग क्रोमोसोम्स uh, पर ये शो करते हैं डिलीशन वो फाइव पी सिंड्रोम था कैट क्राई डब्ल्यू है और फिफ्टीन uh, है आपका uh, ये क्या कहते हैं प्रेडर uh, पीली really. तो इंक्लूडिंग सर्टेन मेलेग्नेंसीज डिस्टिंक्टिव आई एबनॉर्मलिटीज क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्यूलर डेवलपमेंटल जीन जो है वो डिलीट हो गया है पी डिलीट हो गया इसलिए जो है

आप देख रहे हैं किडनी में कैंसर डेवलप हो जाता है इसलिए विम्स ट्यूमर कहते हैं तो डब्ल्यू फॉर विल्स ट्यूमर ए फिर जी फॉर जेनाइटो यूनिट्री जेनाइटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज यूरिनरी एबनॉर्मल ठीक है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी ऑर्गन उनमें एबनॉमल होती है तो जेनाइटो यूरमलिटीज एंड मेंटल रिटॉर्डेशन तो आर फॉर रिटार्डेशन आर फॉर रिटार इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी हो जाती है मोस्ट ऑफ दोम में जैसा कि पहले ये बताया कि मेंटल रिटार तो शो करते ही हैं क्योंकि ये जेनेटिक डिस ब्रेन को इफेक्ट करते हैं ठीक है तो जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज हैं जिसमें कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स हैं हाइपो स्पैडियाज एंड इंटरनल जेनाइटल और यूरिनरी एबनॉर्मलिटी इन द फीमेल्स तो जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटी शो करता है तो वी एच से आपको याद करना क्या क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डब्ल्यू फॉर ट्यूमर

में होता है, आँखों में हो जाता है जेनोरी तो जिसमें जानते हैं आपकी आपके जेनाइटल ऑर्गन तो रिप्रोडक्टिव और यूनरी ऑर्गन में होता है एमेंटल रिटार होता है ठीक है तो ये चार आपको एबनॉमिलिटी शो करता है डब्ल्यू एच ई आर सिंड्रोम जिसमें कि इलेवन पी थर्टीन रीजन पर सेवरल जीन्स डिलीट हो जाती है जिसमें कि पी ए एक्स सिक्स ऑक्यूलर जीन है ऑक्यूलर डेवलपमेंट जीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स है आई के डेवलपमेंट के लिए जिसमें कि जो कलर रीजन है उसकी वजह इसी की वजह से इसके डिलीशन की वजह से कलर रीजन डिलीट हो जाता है एबसेंस हो जाता है और जिसकी वजह से एनिडिया हो जाता है ठीक है और वेम्स स्टिमर जीन चेंज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके भी डिलीशन से किडनी कैंसर जाता है बच्चों में बाकी मेंटल रिटार्डेशन और जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं तो इस तरह डब्ल्यूएजीआर सिंड्रोम हो गया 11क्यू कहते हैं देन प्रेडरवेली सिंड्रोम आता है जिसको कि हम 15क्यू सिंड्रोम कहते हैं क्या कहते हैं 15क्यू सिंड्रोम 15 क्यू सिंड्रोम ठीक अब यहां पर आप देखते हैं क्रोमोजोम नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन की देखिए पी आर है पी आर शो कर रहा है पी आर है लेकिन नीचे की आर डिलीट हो गई नीचे की आर डिलीट हो गई है तो पी आर है लेकिन नीचे की आर डिलीट हो गई है तो ये क्रोमोजोम है ठीक ये क्रोमोजोम है तो इसकी ये पी आर्म तो है लेकिन क्यू आर्म क्या है डिलीट हो गई है तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर शो कर रहा है ठीक जहाँ की पी आर्म तो शो कर रहा है लेकिन क्यू आर्म को शो नहीं कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यू आर्म नहीं शो कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा पी आर्म यहाँ पे शो है लेकिन क्यों आम नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको 15 क्यू सिंड्रोम कहते हैं 15 क्यू सिंड्रोम कहते हैं ओके 15 क्यू सिंड्रोम है ये तो क्रोमोजोम नंबर 15 की क्यू आर्म डिलीट हो गई है और रेयर होता ये है ये भी ठीक है ये भी रेयर है और 46 क्रोमोजोम्स होते हैं 15 डिलीशन क्रोमोजोम 15 डिलीशन ऑफ लोअर आर्म स्मॉल बर्ड लाइक हेड होता है यहां पे हेड छोटा होता है और ओबेसिटी शो करता है बच्चों में ये फिफ्टीन क्यू की वजह से ओबेसिटी है शॉर्ट लाइफ स्पैन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है मेंटल रिटाडेशन जो कि कॉमन एक सिम्टम है सारे डिसऑर्डर्स में तो मेंटल रिटाडेशन तो शो करेगा ही माइक्रोसिफाइली भी शो करता है मोस्ट ऑफ द डिस में तो यहाँ पे हेड भी छोटा है और ओबेसिटी यहाँ पर शो कर रहा है ये किसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है ओबेसिटी तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा मोटे दिखाई देंगे ओके ओबेसिटी शो करेगा और शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो डिसऑर्डर्स है तो स्पैन जो है लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो जाता है ठीक तो बॉयज में ज्यादा होता है इसका परसेंटेज बॉयज में देखिए 97 परसेंट बॉयज में है और फीमेल्स में ये कम होता है गर्ल्स में कम होता है थ्री परसेंट तो ज्यादा इसका अकरेंस किस में शो कर रहा है Mails में -Willi syndrome, -Willi syndrome, 15Q syndrome होता है ओके अब हम बात करते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम की की तो फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम जैसा कि हम लोग ने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन शो करता है और इन बिटवीन द क्रोमोजोम नाइन एंड ट्वेंटी टू क्रोमोज़ोमल 9 एंड 22 क्रोमोज़ोम के बीच में शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रोमोज़ोमल 22 है, उसकी जो क्यू आर है, वो डिलीट हो गई है, और ये जाकर लग गई है क्रोमोज़ोमल 9 में, ठीक है? 9 में लग गई है, और एक क्रोमोज़ोम 9 का जो क्यू आर है, वो क्रोमोज़ोम 22 के आम में लग गया है ठीक है तो यहाँ पर एक इस चित्र में भी देख सकते हैं क्रोमोसोम 9 और 22 का ये नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये इनका फुल स्ट्रक्चर है मींस इसमें कोई डिलीशन मींस इनमें कोई ट्रांसलोकेशन इन्डिलेशन नहीं शो कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर जो BCR रीजन है BCR रीजन यहाँ से ये कट जाएगा ये आर्म नीचे वाली कट जाएगी और यहां पे ABL1 जो जीन है ये कट जाएगी BCR और ABL1 ये जो जीन के पोर्शन यहाँ पे कट जाएंगे स्ट्रक्चर पे क्रोमोजोम के और जो ए बी एल वन है वो आपके क्रोमोजोम ट्वेंटी वन में जाकर लग जा रहा है ठीक है ट्वेंटी वन में लग जा रहा है और इसका जो बी सी आर रीजन है वो क्रोमोजोम नाइन के नीचे लोअर आर्म में लग जा रहा है दोनों एक दूसरे पे ट्रांसलोकेशन हो कर रहा है मीन्स इसका जो रीजन कट के ब्रेक करके गया वो क्रोमोजोम ट्वेंटी वन में लग गया क्रोमोसोम क्रोमोजोम ट्वेंटी टू के क्रोमोसोम जो ब्रेक किया वो तो क्रोमोजोम नाइन के नीचे जाकर लग गया तो इस तरह इसका जो बी रीजन है और इसका ए वन है एक दूसरे में ट्रांसलोकेट कर गया और इसी रीजन को कहते हैं बी सी आर वन रीजन बी सी वन रीजन कि इसका ये जो रीजन था बी रीजन था और इसी बी रीजन पर

तो और इन बिटवीन किन किन क्रोमोजोम के बीच में होता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है इन बिटवीन क्रोमोजोम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में जो इन चीज मतलब क्रोमोजोम फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम से बनते हैं तो किन दो क्रोमोजोम्स के बीच में होता है तो नाइन एंड ट्वेंटी टू के बीच में होता है और कौन सा फ्यूजन जीन बनता है ट्रांसलोकेशन के बाद तो बी सी आर ए बी वन बनता है बी जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है तो इट कंटेन्स अ फ्यूजन जीन दैट इज बी सी आर एल बी वन ठीक तो ये हो गया और इससे कौन सी डिजीज होती है ल्यूकेमिया कैंसर सेल्स ल्यूकेमिया कैंसर सेल्स ओके तो क्रोमोसोम 22 ऑफ ल्यूकेमिया कैंसर सेल्स में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी शो करता है ये फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन इट शोज़ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और द क्रोमोसोमल म्यूटेशन स्ट्रक्चर म्यूटेशन इन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 9 एंड 22 ओके okay? और इससे जो फ्यूजन जीन बनती है मींस क्रोमोसोम 22 अ फ्यूजन जीन दैट इज तो अभी तक हम बात कर रहे थे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर म्यूटेशंस की अब हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल म्यूटेशंस की मींस चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम चेंज इन नंबर ऑफ द

ठीक है यहाँ पर एक क्रोमोजोम डिलीट डिलीट हो गया मिसिंग हो गया तो ये नंबर ऑफ एक कम हो गया और यहाँ पर ऐड हो जा रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है और यहाँ पर एक माइनस हो जा रहा है दैट दिस दिस मोनोसोमी मोनोसोमी ट्राइसोमी एंड टर्नर सिंड्रोम ओके अब यहाँ पर एक आपको निमोनिक की वजह से अगर याद करना है कि ये कौन कौन सी ट्राइसोमीज हैं तो डाउन सिंड्रोम में क्योंकि डाओ आता है दो आप देख सकते हैं डी डी ओ लिखा है दो और अगर क्रोमोजोम ट्वेंटी वन ट्राइजोमी ट्वेंटी वन याद करना है तो टू सबसे पहले आता है क्रोमोजोम ट्वेंटी वन में क्या आता है टू आता है तो डाउन सिंड्रोम में क्या है ये याद करना है कि किस कि क्रोमोसोम में ट्राइजोमी ट्वेंटी वन है एडवर्ड में है कि डाउन में है कि पटाऊ है तो दो से आप याद कर लीजिएगा कि क्रोमोसोम जिसमें टू आगे लगा है इसका मतलब ट्राइजोमी 21 डाउन सिंड्रोम है ठीक है एडवर्ड सिंड्रोम है तो एट निकलता है एड एट ई डी से एट एट जैसी फीलिंग आ रही है एट तो 18 क्रोमोसोम 18 जो है इसमें जब ट्राइजोमी होती है तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है पटाऊ से आप ध्यान दे सकते हैं टाऊ टाऊ से थ्री थ्री का थोड़ा सा मन में वो हो रहा है टाऊ टाऊ इज थर्टीन तो थर्टीन सिंड्रोम पे अगर ट्राइजोमी शुरू कर रहा है तो आपको पटाऊ सिंड्रोम होगा तो इस तरह कुछ मींस ट्रिक्स लगाकर आप याद कर सकते हैं कि कौन सा ट्राइजोमी कौन सा मींस सिंड्रोम से थर्टीन जैसा फीलिंग आ रहा है थ्री से तो थर्टीन हो गया एडवर्ड एट जैसी फीलिंग आ रही है तो एटीन हो गया डाउन सिंड्रोम टू आ रहा है तो ट्वेंटी वन हो गया तो ट्राइजोमी ट्वेंटी थर्टीन ये याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स है ठीक है सिंड्रोम में आपको याद करना होगा ये है एक्स एक्स वाई ठीक है एक्सएक्स वाई मेल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम सिंड्रोम है है जो जो कि फीमेल्स में एक्सओ पर हट जाता है एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है और सुपर फीमेल जो होता है इसको जैकोब सिंड्रोम भी कहते हैं सुपर uh, फीमेल और एक इंटरसेक्स है ठीक है तो जब ट्रिपल एक्स हो जाता है तो सुपर ये सुपर फीमेल कहलाता है सुपर फीमेल कहलाता है और uh, अगर ट्राइजोमी एक्स वाई वाई शो कर रहा है एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई शो कर रहा है तो ये सुपर मेल हो जाता है सुपर मेल हो जाता है क्योंकि वाइक्रोमोजोम दो हो गए दो वाइक्रोमोजोम हो गए तो ये uh, हो गया आपका सुपर मेल तो सुपर फीमेल सुपर मेल टर्नर सिंड्रोम और ये हो गया सिंड्रोम तो इस तरह आप याद कर सकते हैं ओके तो डाउन सिंड्रोम जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि डाउन सिंड्रोम मीनस ट्राइजोमी 21 होता है नॉर्मली uh, आपको वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम दिखता है हर जगह लेकिन जब ट्राइजोमी होती है तो किसी क्रोमोजोम पर तीन uh, क्रोमोजोम दिखाई देते हैं मतलब ट्वेंटी वन पे पेयर ऑफ क्रोमोजोम की जगह तीन क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ट्राइजोमी कहलाती है ठीक है तो जहाँ दो होना चाहिए वहाँ तीन है और इसी को कहते हैं ट्राइजोमी ठीक है तो क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन पे ट्राइजोमी करता है और याद करने का तरीका हमने दिया है कि तो आपको पहचानना होता है कि ट्राइसोमी ट्वेंटी वन कौन सा है तो डाउन सिंड्रोम लगाएंगे पटाऊ कौन सा है, तो टाऊ से आपको याद कराया है थर्टीन होगा तो क्रोमोजोम थर्टीन ट्राइसोमी हो गई इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम पे एट का आ रहा है एड एड करके अगर पढ़ते हैं तो एड जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है इसलिए आपको क्रोमोजोम एटीन पे लगाना होगा ठीक

तो इस तरह वो जो है फिजिकल डिसेबिलिटीज उसमें पैदा हो जाती है एबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाती है मेंटली रिटार्डेड होता है तो इस तरह ये बच्चा जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है नहीं हो पाता है ठीक है तो अब ये ट्वेंटी वन भी जो दो तरीके का शो करता है इस तीन तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम होते हैं ये जान लीजिए एक तो हो गया जो हम लोग ने बताया कि क्रोमोसोम ट्वेंटी वन पर तीन क्रोमोसोम्स हैं ठीक है

नहीं शो करता ओनली सम सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21 तो ये मोजैक कहलाता है ठीक है तो इस तरह का भी सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम मोजैक टाइप कहा जाता है जिसमें कि ओनली वाइल अदर शो नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोजोम 21 ठीक है तो नॉर्मल पेयर शो कर रहा है वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रहा है 21 पर तो नॉर्मल है सेल वन शो कर रहा है जबकि सेल टू ट्राइसोमी शो कर रहा है

यहाँ पर दो की जगह जो तीन क्रोमोजोम थे उसमें जो तीसरा क्रोमोजोम क्या हुआ जाकर क्रोमोजोम के ऊपर जाकर अटैच हो गया है अटैच हो गया है तो ये ट्रांसलोकेशन शो कर रहा है ठीक है तो 21 से जाकर वो 14 पर जाकर अटैच हो गया है तो ये ट्रांसलोकेशन टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम भी शो करता है तो तीन टाइप के होते हैं एक तो नॉर्मल ट्राइजोम होता है जो कि सभी सेल्स में पाया जाता है फिर सम सेल्स में पाया जाता है तो मोजैक है और एक पेयर जो एक्स्ट्रा है वो जाकर किसी दूसरे क्रोमोजोम पे अटैच हो जाता है तो ट्रांसलोकेशन करता है ठीक है देन एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम आते हैं जिसे कि हम लोगों ने बताया कि याद करने का तरीका आपको एट से एडवर्ड सिंड्रोम हो गया और टाओ से थर्टीन सिंड्रोम हो गया अब ये दोनों ट्राइजोमी हो गई अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी जो है कॉमन एक सिम्टम होता है जो सारे डिसऑर्डर्स में पाया जाता है मेंटल डिसेबिलिटी ठीक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल डिसेबिलिटी और मोस्ट ऑफ द उसमें जो है स्मॉल हेड मिलेगा आपको स्मॉल हेड मिलेगा लो सेट ईयर्स मिलेंगे तो ये सारे जो कुछ है वो आपको ज्यादातर मीन्स जो डिसऑर्डर्स है उसमें कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं अब रॉकर बॉटम फीट दोनों ही सिंड्रोम में मिल रही है मालफोर्मेशन और ठीक है, है पटाउ सिंड्रोम में तो यहाँ पे क्रोमोजोम थर्टीन में तीन सिंड्रोम तीन दिख रहे हैं क्रोमोजोम तीन दिख रहे हैं दो पेयर होने के बजाय तीन है तो ये हो गया पटाओ सिंड्रोम जिसमें कि क्रोमोसोम 13 पे शो कर रहा है यहाँ पर क्रोमोसोम एटीन पे होना शो कर रहा है दो की जगह तीन है तो एडवर्ड सिंड्रोम हो गया और ये इनके कुछ सिम्टम्स हो गए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडवांस मेटरनल एज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द थ्री ट्राइसोमी डिसऑर्डर्स एंड फॉर क्रोमोसोम एबरेशंस इन जनरल तो जैसे जैसे माँ की उम्र ज्यादा होती जाती है और उसके बाद ज्यादा उम्र होने के बाद जब वो मदर बनती है तो ये डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो एडवर्ड सिंड्रोम हो पटाऊ सिंड्रोम हो ये दूसरे कोई और ट्राइजोमीज़ हो वो बढ़ जाती है इनकी चांसेस ओके तो इस तरह पटरनल एज जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एक रिस्क फैक्टर होता है मेटर्नल एज एडवांस्ड मेटर्नल एज मींस अगर ज्यादा हो गई उम्र और उसके बाद मां बनती है कोई गर्ल तो ये रिस्क बढ़ जाता है इन सिंड्रोम्स होने का तो मींस uh, uh, इसीलिए कहा जाता है कि एक निश्चित uh, उम्र में ही बच्चे uh, हो जाने चाहिए मींस इन अगर रिस्क फैक्टर मतलब इन uh, सिंड्रोम से बचना है तो ओके तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं एन्यूप्लोइडिज ऑफ ऑटोसोम्स uh, जिसमें कि ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी uh, 18 और ट्राइसोमी 31 की बात किया है, हम लोगों ने

सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइजोमी क्या है ये सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइजोमी है तो ऑटोजोम की ट्राइजोमी थी अब यहाँ में ट्राइजोमी है इसको एनिटीज भी कहते हैं और यहाँ पर एक्स एक्स वाई अगर एक्स्ट्रा एक्स अगर जुड़ गया मेल्स में तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं सिंड्रोम इट इज ऑफन मेल एट बर्थ द मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोजोम डिसऑर्डर इज इन विच एन इंडिविजुअल विद ठीक है X, X, अब ये जो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एनिफ्राइटिस इंक्लूड द दिलेड प्यूबर्टी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जेनिटेलिया एंड इनफर्टिलिटी ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोजोम में पाए जाते हैं जैकब सिंड्रोम क्या होता है सुपर मेल सिंड्रोम होता है सुपर मेल सिंड्रोम होता है सुपर, सुपर मैन सिंड्रोम भी कहीं कहीं लिखा होगा सुपर मेल सिंड्रोम भी कहते हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स की जगह एक्स्ट्रा वाई होता है एक्स, एक्स वाई तो कॉमन है एक नॉर्मल है मतलब और एक्स्ट्रा वाई यहां पर जुड़ गया क्या जुड़ गया एक्स्ट्रा लिखने में दिक्कत तो एक्स्ट्रा वाई एक्स वाई आप जानते हैं कि मेल का क्रोमोजोम क्या होता है एक्स वाई एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम हो गया अब जब एक एक्स्ट्रा वाई जुड़ गया तो ये भी एक ड्राई हो गई ठीक है तो जब मैन में दोनों ही मैन में है मींस ये फोर्टी सेवन एक्स एक्स वाई और फोर्टी सेवन एक्स वाई वाई ठीक दोनों ही मैन में है ठीक है यहाँ पर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम हो गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम हो गया यहाँ पर एक्स एक्स वाई है ठीक है तो एक्स वाई यहाँ नॉर्मल है मेल में होती है

और जो डिसेबिलिटीज होती हैं जनरली मेंटल डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं टॉलर होती है हाइट हाइट जनरली जो नॉर्मल uh, से ये लंबे होते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज एक्ने ऑन बॉडी एंड हाईली एग्रेसिव होते हैं सुपर सुपरमेल ठीक है अदरवाइज ये नॉर्मल होते हैं और टिपिकल रेट्स ऑफ फर्टिलिटी होती है फिर ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी होता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें टू एक्स होता है नॉर्मल फीमेल में टू एक्स होता है और जब एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया तो इसको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम कहेंगे या सुपर फीमेल कहेंगे या सुपर मेल है और यहाँ पर क्या हो गया सुपर फीमेल मीन्स वाई वाई जो क्रोमोसोम होता है वही शो करता है एक मेल को तो जब एक एक्स्ट्रा वाई जुड़ गया तो एक, ये सुपर मेल हो गया और एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गई तो सुपर फीमेल हो गया ये आपको ध्यान देना है सुपर मेल और सुपर फीमेल को कैसे याद रखेंगे तो जब नॉर्मल एक फीमेल का क्रोमोजोम होता है जो पेयर ऑफ क्रोमोजोम एक्स जिससे कि हम जानते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है इसी सेक्स क्रोमोजोम की वजह से हम पहचान पाते हैं तो ये एक फीमेल है क्योंकि एक्स एक्स है यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोजोम और ये एक मेल है क्योंकि एक्स वाई, -वाई एक्स वाई है और जब एक एक्स्ट्रा वाई जुड़ गया

Ad, but tall होता, जैसा कि सुपर मेल में टॉल स्टेचर नॉर्मल से ज्यादा होते हैं उसी से इस तरह और उनमें भीजिकल डिसबिल पाए इस तरह कुछ इसमें भीज पाई जाती है स्कैल्टर एनॉमलीज होती है माइनर फेसियल फीचर फोल्ड इंटरसेक्स क्या होते हैं

इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ही उसमें पाए जाते हैं इन दोनों के बीच का कहीं कुछ होता है उसमें एक पर्सन में और उसी को हम इंटरसेक्स क्रोमोसोमल एनोमली कह सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन कह सकते हैं इंटरसेक्स ठीक है व्हेन पीपल आर बोर्न विद सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो टिपिकल मेल या टिपिकल फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ना होते हैं बल्कि दोनों के ही कुछ मिले जुले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कहते हैं. आता है, जिसमें की एक क्रोमोजोम और इसी को कहते हैं मोनोसोमी मींस 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो 47 हो जा रहे थे एक कम हो गया क्रोमोसोम तो 45 46 की जगह 45 हो गया तो इसका फॉर्मूला था तो 45 एक्स सिंड्रोम एंड द ओनली सेक्स क्रोमोसोम मोनोसोम विच हैकर्स व्हेन ए पर्सन इन इट्स ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड यूजली असाइंड फीमेल एट बर्थ यूजली असाइंड फीमेल एट बर्थ ठीक है तो फीमेल्स में ही होता है ये फीमेल्स में

तो इस तरह ये सारे सिंड्रोम्स के बारे में लोगे पढ़ा जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल है जिसमें कि डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन है जिसमें कि डिलीशन में अपने क्राइटोचर सिंड्रोम पढ़ा और प्रैडर वेली सिंड्रोम पढ़ा ठीक है और डुप्लीकेशन में डुप्लीकेशन में हम लोग सीएमटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं जिसमें कि शारकट मारी टू डिसऑर्डर पढ़ते हैं फिर ट्रांसलोकेशन में हम पढ़ते हैं फिर लडेलपिया सिम इनवर्जन में कोई ऐसा कोई डिजीज नहीं पता चली और इसी तरह फिर हम नाउ न्यूमेरिकल एनोमलीज के बारे में पढ़ते हैं न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें कि ऑटोजोमल न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स जिसमें कि हम लोगों ने ट्राइजोमीज पढ़ी डाउन सिंड्रोम पटाओ सिंड्रोम एंड एडवर्स सिंड्रोम और अब सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइजोमीज की बात करते हैं तो क्लिन फिल्टर सिंड्रोम आ जाता है जैकॉब सिंड्रोम आता है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम आ जाता है और मोनोजोमी की बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम आ जाता है ठीक है तो ये सभी हम लोगों ने डिस्कस किया आशा है आप लोग को समझ में आया होगा <laughs> यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं एक्स एक एक्स वाई सिंड्रोम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स हो गया मेल में ठीक है तो एक एक एक्स और एक वाई सिंड्रोम होता है नॉर्मल मेल में एक पेयर ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम होता है लेकिन यहाँ पे टू एक्स हो गया, है। <coughs> तो टू हो गया है, तो ये सिंड्रोम हो गया टू वाई हो गए तो ये सुपर मेल हो गया क्योंकि वाई क्रोमोजोम दो हो गए हैं तो यहाँ पे देखिए दो वाई क्रोमोजोम हो गए हैं तो ये सुपर मेल कहलाएगा जैकब सिंड्रोम कहलाएगा यहाँ पर सुपर फीमेल हो गए, एक्स्ट्रा एक्स सिंड्रोम आ गया यहाँ पर देखिए तीन एक्स हो गए हैं तीन एक्स ठीक है तो सुपर फीमेल क्योंकि फीमेल में टू एक्स होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स है आ, मेल में एक एक्स और एक वाई होना चाहिए तो एक एक्स्ट्रा एक्स है इसी तरह मेल में, तो एक मेल, एक एक्स है. मेल में एक्स वाई सिंड्रोम होना चाहिए तो एक्स्ट्रा वाई है तो ये सुपर मेल हो गए ये सुपर फीमेल हो गई और एक्सो हो गया मोनोसोमी जिसको कि टर्नर सिंड्रोम कहते हैं ये फीमेल्स में होता है यहाँ पे फीमेल में दूसरा जो एक्स है वो मिसिंग है दूसरा एक्स क्या है मिसिंग है तो एक्सो सिंड्रोम हो गया एक्सओ ठीक है फोर्टी फाइव एक्सो सिंड्रोम हो गया और इन सब में फोर्टी सेवन क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि ये ट्राइसोमी शो कर रहे हैं ठीक है <coughs> कम टू क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जैसा कि किफिया ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है फिलाडेलिया ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर नाइन एंड ट्वेंटी टू के बीच में हो रहा था तो ऑप्शन नंबर टू सही है क्रोमोजोम नाइन एंड ट्वेंटी ठीक है इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मैज द फॉलोइंग तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है कि एक्स वाई वाई जब होता है तो जैकब्स सिंड्रोम होता है ट्वेंटी वन हम लोग ने पढ़ा था, तो तो था डाउन सिंड्रोम होता है और एक्सो होता है टर्नर सिंड्रोम ठीक है तो ए का क्या हो गया थर्ड हो गया ए का थर्ड फिर बी का हमने क्या लगाया वन लगाया तो बी का वन

डिलीशन कहते हैं तो ये वाले हो गए और टुट तो किस -किस तो तो कहा दिया माइक्रोडिलीशनोसोम फाइव पी तो फाइव पी आ गया तो मीन ये हो जाएगा इसका क्राइडोकेट प्रेडर भी ली हम लोग ने किस वाले पढ़ा था फिफ्टीन क्यू पढ़ा था तो फिफ्टीन क्यू यहाँ पे दिया ही हुआ फिफ्टीन क्यू फिफ्टीन क्यू दिया है प्रेडर ठीक है फिर, प्रेडर है, फिर प्रेडर है, 15 हो गया फिर क्रोमोजोम इलेवन पे कौन सा डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन शो करता है डिसऑर्डर क्या शो करता है डुप्लीकेशन तीन डिलीशन के हैं और एक डुप्लीकेशन का है तो आप देख लेते हैं या मैच करा देते ए का हो गया फोर्थ A का फोर दो जगह दिया हुआ है फिर बी का देख लेते हैं प्रैडर बिली प्रैडर बिली को हम लोगों ने सेकेंड से लगाया है तो बी का टू दोनों जगह दिया हुआ फिर सी का देख लेते C का एक जगह ऑप्शन करेक्ट फोर्थ आंसर सही है क्योंकि सी का वन होगा बी डब्ल्यू एच सिंड्रोम क्या हो जाएगा डिलीजन मतलब इलेवन पी थर्टीन पी थर्टीन रीजन पे यहाँ पे डिलीशन हो रहा है ठीक है और चारकोट मैरी टू डिसऑर्डर जो है क्रोमोजोम नंबर सेवनटीन पे होता है तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ये आप देख लीजिएगा फिर से करके ठीक है फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन क्रोमोसोम्स डू नॉट लुक एलाइक ठीक है तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेल से क्रोमोजोम में वाई थोड़ा सा एक्स से छोटा होता।, होता है, है? वाई छोटा होता है ठीक है वाई छोटा होता है हम लोगों ने अभी देखा था पिछले उसमें कि जो एक्स मतलब ये एक एक्स होता है ये बड़ा होता है और वाई छोटा होता साइज में ठीक है तो एक्स वाई इस तरह एक्स एक्स और वाई जो है साइज में डिफर करते हैं तो आ, पहला ऑप्शन तो सही है

तो ए सी डी कहाँ पर दिया हुआ है ए सी डी थर्ड पे दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ठीक पर भी मैच द फॉलोइंग है इसको देख लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम जैसा कि बोला था एडवर्ड एड्स से 8 से याद कर सकते तो हो गया इसे क्लेन फेंटर हम लोगों ने बोला एक्स एस वाई होता है तो एक्स एस वाई कहा दिया ये है एक्स वाई तो ये हो गया ठीक टर्नर सिंड्रोम एक्सओ होता है तो फोर्टी फोर एक्सो हो गया डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी ट्वेंटी वन होता है दो से कहा था डाउ दो ट्वेंटी तो वन हो गया ट्वेंटी वन क्रोमोसोम तो क्या हो गया ए का क्या हो गया ए का हो गया टू अब ए का टू देख लीजिए ए का टू यहाँ दिया हुआ है ठीक है ए का टू दो जगह दिया हुआ है वन पे और फोर्थ पे बी का देख लेते हैं बी का दिया हुआ है हम लोगों ने किया है बी का फोर्थ बी का फोर्थ कहा दिया हुई? बी का फोर्थ वन तो ऑप्शन में दिया तो ये ऑप्शन नंबर वन सही है सी तो का थ्री दिया हुआ है सी का सी का हम लोग सी का सी का वन किया हुआ है तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है ए का टू बी का फोर सी का वन सी का वन किया हुआ हम लोग ने और डी का थ्री किया हुआ डी का किया हुआ है तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ठीक है ए का टू हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम का सिंड्रोमी हो जाएगा फिर बी का हो जाएगा सिंड्रोम टर्न सिंह एक्स ओ सी का वन हो जाएगा एंड डाउन सिंड्रोम का थर्टीन थ्री हो जा रहा uh, है ट्वेंटी वन ट्राइजोमी तो डी का थ्री हो जा रहा है तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट

तो इसमें ये तीन सही है आर करेक्ट ए बी सी आर करेक्ट डाउन सिंड्रोम में नई क्यू नहीं होता है ओके okay. तो बिलो ट्वेंटी होता है आई क्यू लेवल तो ए बी सी करेक्ट है नॉन डिस्टेंशन की वजह से होता है जब मियोसिस होती है तो नॉन डिटेन की वजह से होता है सेपरेट नहीं कर पाते क्रोमोसोम और फ्रीक्वेंसी जब मेटरनल एज इंक्रीज करती आती है मिसोटी के अगर वे वो हो रही है तो उसमें जो चांसेस है वो बढ़ जाती है डाउन सिंड्रोम होने की या दूसरे भी सिंड्रोम होने की चांसेस बढ़ जाती है तो ए बी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट एंड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इन क्रोमोजोम 21 वन इज डाउन सिंड्रोम दिनो टाइप इंक्लूड मेंटल रिटारेशन इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेसी एक्सटेंडेड बाई टेन टू ट्वेंटी ईयर्स ये गलत है